भाई आज का हमारा टॉपिक है प्रोसोशल बिहेवियर कॉग्निटिव मॉडल, सामाजिक उन्मुख व्यवहार का संज्ञानात्मक मॉडल। ये मॉडल का मतलब क्या है कि प्रोसोशल बिहेवियर को संज्ञानात्मक तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। हाउ दैट कॉग्निटिव प्रोसेस एक्सप्लेन प्रोसोशल व्यवहार, ठीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है, आपको इसके अंदर स्टोरी कहानी टाइप है, कुछ नहीं है। आप एक बार इसको देखेंगे कि संज्ञानात्मक मॉडल एक सैद्धांतिक या वैचारिक ढांचा होता है। संज्ञानात्मक मॉडल वैचारिक, ये ध्यान रखना, जो आपका थॉट प्रोसेस है ना वो सारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती है, जो आप मन में सोचते हो जो प्रक्रियाएं होती है, जो संज्ञानात्मक विकल्पों की संरचना के संदर्भ में समर्थित सामाजिक व्यवहार को बताता है। ये इसको आपको क्लियर शब्दों में समझा रहा हूं कि आप जब कोई कार्य करते हो, व्हेन यू डू सम एक्टिविटी, तो उसके प्रति, उस कार्य करने से पहले उसके प्रति आपके मन में विचारों की एक श्रृंखला चलती है। अलग अलग प्रकार के आपके विचार आते हैं और उसी के संदर्भ में जो विचार आपके आते हैं ना वो सारा संज्ञानात्मक प्रोसेसिंग होती है, ठीक। किसी भी मदद करने से पहले, किसी की मदद करने से पहले व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के अनियमित और अव्यवस्थित विचारों की सूचना पड़ता है, ठीक। ये बात समझ रहा हूं, मुश्किल नहीं है एक्सप्लेन करना कि आप जब भी कोई काम करते हो, किसी को मदद करने वाला कोई काम होता है, संज्ञानात्मक मॉडल की बात है जिसका अर्थ बता रहा हूं मैं, तो आपके मन में उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस घटना के प्रति मन में अलग अलग तरह के बहुत सारे विचार आते रहते हैं। वो विचार कैसे आते हैं उसकी एक छोटे सा नमूना मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ। इन विचारों के मंथन के आधार पर सहायता देने के बारे में निर्णय लिया जाता है। जो विचार आते हैं उसके बाद आप क्या करते हो, हम मंथन होता है, मंथन समझते क्या होता है, जैसे दूध गुलाना होता है उसके बाद मक्खन निकलता है, वो परिणाम आता है, वैसे हम फैसला करते हैं कि क्या हमें सहायता करनी है या नहीं करनी है। दिस इज योर मीनिंग कॉग्निटिव मॉडल का। ये देखो किस प्रकार से आपके मन में विचारों की एक श्रृंखला चलती है, अलग अलग विचार आते हैं, ये सारे विचार लेके भाई कोई एक्टिंग कर रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की है, मुझे मदद करनी चाहिए, शी शुड हैव बीन अटेंड, मतलब इस टाइप एक्टिविटी। देखो कैसे कैसे आपके थॉट्स, ये विचार आ रहे हैं आपके मन में, ठीक है। अब आप देखो समझे आप ना, ये सारे विचारों की आपके मन के अंदर एक श्रृंखला चलती है। इन ये आपने जितनी बातें लिखी ना, अगर जो यानी कि अगर किसी की आपको मदद करनी है, सबसे पहले वो सर विचार आएंगे क्या मेरे रिलेटिव है, रिश्तेदार है, पर ये आ सकता है क्या होता है, जब जब हम उसको देखते दूसरा देखेंगे वाई शुड आई, क्यों मदद करूँ, मुझे जाना चाहिए। आगे देखेंगे इफ आई हेल्प आई विल फेस फ्रॉम हरासमेंट बाय पुलिस, अगर मैं किसी की समस्या, किसी की मदद करूंगा तो क्या होगा, पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, ये विचार आता है, बस ना जाए। आगे देखो शी शुड हैव बीन अटेंटिव, ध्यान रखने के लिए जानबूझ के कोई कर रही होगी एक्टिंग यहाँ पर, इस टाइप के पूरे विचारों की एक श्रृंखला है ये। और जैसे मैंने बोल साहब को दिखाई दी, आप देखो ये चल रहा है, देख रहे हो, ये कलम दिख रहे हैं ना, बोल रहे अब यहाँ आ जाएगा वो, देखो उसके बाद नहीं आया, वो वही तक रहा होगा, वही तक रहा होगा, ठीक, उसका एनिमेशन वही तक रहा। ये देखो इस तरह से हमारे मन के अंदर विचारों की एक श्रृंखला, आप समझ गए। आगे चले, ये जो मॉडल है कॉग्निटिव मॉडल है, ये आपको बताता हूं, जॉन डार्ली और डीप लेखाने द्वारा 1970 में प्रस्तावित किया गया। ये घटना मैंने कब बताई थी आपको, जिनोविस किडनी जिनोविस की घटना की 38 लोग बताई थी मैंने, या किसके लिए यस्टरडे, जो किडनी जिनोविस एक नर्स थी, कैसे वो बात से बताई गई है। देखो किडनी जिनोविस की हत्या ने उन्हें इस प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने सोचा कि कैसी क्या बात थी, 38 लोगों ने उस महिला को मर्डर होते हुए देखा और कोई हेल्प करने नहीं आया, लोगों ने उसकी चीखें सुनी फिर भी मदद करने के लिए नहीं आया, व्हाट इज द रीजन। तो उन दोनों सोशल साइकोलॉजिस्ट ने इस बात को स्टडी किया और पता लगाया, जिसे उन्होंने कहा कि इसको हम जो रिसर्च के बाद उनके बाद जो परिणाम आया उन्होंने बताया कि इसको दर्शक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्शक प्रभाव। यानी कि दर्शक प्रभाव का मतलब यह है, अगर आपको मदद की आवश्यकता है और आपके पास जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होते जाएंगे उतने ही मदद मिलने की संभावना आपके पास कम होती चली जाएगी, ये उन्होंने दर्शक प्रभाव बताया। और उन्होंने कहा कि दर्शक प्रभाव किस कारण से होता है, किस कारण से होता है दर्शक प्रभाव, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, संज्ञानात्मक प्रसरण से होता है। ये क्या होता है कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, अकबर बीरबल की बात सुनी होगी आपने, कहानी सुनी है, अकबर ने बीरबल ने अकबर ने कहा कि बीरबल मेरे राज्य में सारे ईमानदार लोग हैं,
मेरे को लगा कि ठीक है ईमानदार टेस्ट कर लूं, बोला कर ले, मुनादी करवा दी भाई, कल उस तालाब में सभी एक लोटा दूध डाल के आएगी। क्या डाल के आएंगे? एक लोटा दूध। तालाब को धो दिया गया, कल उसमें सारे सारे लोग एक लोटा दूध डाले। सब ने सोच लिया कि मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। सब ने बात सोच ली, उपरांत क्या हुआ, सुबह तालाब तो भर गया लेकिन पानी से भरा हुआ। सेम कंडीशन यहां पर होती है क्या, कि उसने मदद कर दी होगी, उसने फोन कर दिया होगा, उसने फोन कर दिया होगा। जब रिसर्चर्स ने उन 38 लोगों को एक एक करके बुलाया, उनसे पूछा कि आपने मदद क्यों नहीं की, सब ने यही कहा कि यार हमने सोचा कि इतने लोग देख रहे हैं, उसने पुलिस को फोन कर दिया होगा, बार बार करने क्या फायदा। आप समझे इस चीज को, इसी बात को। अरे क्यों हुआ? कोऑपरेटिव प्रोसेस। सबने सोच लिया, सबने क्या किया, सोच लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि किसी ने फोन नहीं किया एंड सी वाज किल्ड। इसी को उन्होंने क्या कहा, कोऑपरेटिव प्रोसेस सहायता से होता है, और इसी को दर्शक प्रभाव का। दर्शक प्रभाव संज्ञानात्मक प्रसंस्करण का परिणाम होता है। संज्ञानात्मक प्रसंस्करण सहायता करने संबंधित फैसला लेने में मदद करता है। कोऑपरेटिव मॉडल क्या कहता है, जब हम किसी चीज की सहायता करते हैं तो उसकी सहायता करें या ना करें, क्यों करें, जैसे मैं विचारधारा दिखाएगी ना आपको, इस तरह से मदद करता है, जिसे सामाजिक पूर्व व्यवहार के संज्ञानात्मक मॉडल के रूप में जाना जाता है। यही संज्ञानात्मक मॉडल है। अब ये बात तो समझने की आई, अब लिखोगे क्या, पॉइंट ये ना, अब सबसे पहले जब लिखोगे तो आप लिखेंगे कि जोर डाले और ब्यूटे डाले ने इसको दिया। एक ऐसी घटना हुई थी, उस नर्स को मार दिया था किसी मर्डरर ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये दर्शक प्रभाव, वो उन्होंने रिसर्च की तो पाया कि ऐसा कोई दर्शक प्रभाव होता है जिसके कारण से, और दर्शक प्रभाव क्यों होता है, कोऑपरेटिव प्रसंस्करण से होता है, कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग से होता है, ठीक है। और इसी को सामाजिक उन्मुख व्यवहार का संज्ञानात्मक मॉडल, समझ गया। दो चार पॉइंट और इसमें वर्चुअल कर देता हूं, इसमें ये क्या सहायता पर व्यवहार, प्रोसेसिंग बिहेवियर, व्यवहार संचित, संचित क्या होता है, इकट्ठी की हुई संज्ञानात्मक विकल्पों की श्रृंखला का परिणाम होता है। यानी कोऑपरेटिव आपके मस्तिष्क में जितने विकल्प ऑप्शंस आपने स्टोर कर लिए हैं, उनका परिणाम क्या होता है, सहायता पर व्यवहार। सामाजिक व्यवहार में शामिल होने से पहले व्यक्ति प्रारंभिक निर्णय लेने की प्रक्रिया से गुजरता है। वो क्या प्रक्रिया है, जो थॉट्स, जो विचारधारा मैंने आपको बताई, ठीक है। फिर वह स्थिति को आपातकाल स्थिति की श्रेणी वर्गीकृत करता है, मतलब पहले वो देखेगा विचारधारा उसकी चलेगी, फिर वो सोचेगा मन में विचारधारा आएगी कि ये स्थिति आपातकालीन, इसको जरूरत है कि नहीं है, इमरजेंसी तो नहीं है। अगर वो स्थिति इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति है तो वो उसको आगे फिर क्या करता है, आपातकालीन की कुछ 5 विशेषताएं होती है जिसके आधार पर व्यक्ति किसी की मदद करता है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। पहली विशेषता देखिए, आपातकालीन परिस्थितियां अनिश्चितता से भरी होती है। इमरजेंसी सिचुएशन होती है, पता नहीं होता कब आ जाए, पता होता आपको किसी को, अबे पढ़ाई करें खूब मजेदार, दम से बीम गिर जाएगी, 4 और 4 8 का पापड़ बन जाए, पूरे कॉलेज में हंगामा हो जाए, चिल्लाए भाई करे भाई 4 से 7 लड़के और एक लड़का था, पापड़ बना निकालो, हमें नहीं पता है। और यहाँ पर छत गिर जाए, मैं पता चला मैं इतना था, आप लोग सर अभी तो पढ़ा रहे थे, इट इज देयर। ये क्या होता है, इमरजेंसी अनिश्चितता से भरी होती है और बिना चेतावनी के आती है, नॉर्मल बात नहीं है, यदाकदा मतलब कभी कभी, ऐसा नहीं कि रोज घटनाएं हो गई, समझ गया इसको। ये विशेषता। तीसरी विशेषता देखो, आपात स्थिति की स्थितिगत मांग विशिष्ट होती है। हर इमरजेंसी सिचुएशन की जो डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, वो अलग अलग होती है। आपने देखा होगा कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कोई बाढ़ आ गई, किसी के घर पे आग लगी, कोई चोरी कर ले गया, किसी पीछे से ठोक दिया, इस टाइप से जो घटनाएं होती है, हर स्थिति की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। हर स्थिति में आप एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, ऐसा है ना। या जैसे यहाँ चलते तो पंखा गिर गया, फिर कल आपने बाढ़ देखा कि वहां पर चलते ट्रक उल्टा हो गया, एक जैसा व्यवहार करोगे आप, वहां पर अलग अलग हो ना, हर स्थिति के लिए बात करें। ये पॉइंट था, वे नुकसान का संभावित खतरा लेते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं, मतलब कहने का थोड़ा ये एडिटिंग नहीं हुई थी कि इमरजेंसी सिचुएशन की सबसे बड़ी बात क्या होती है, वो या तो नुकसान पहुंचा सकती है या पहुंचा ही देती है ना।
या तो नुकसान पहुंचा सकती है या पहुंचाए देती है। आप साथ आराम से खड़े हो, गाय जा रही है, एक ने आपको टक्कर मार दिया, क्या होगा? नुकसान पहुंचाई दिया ना, ये है आकस्मिक स्थिति आपातकालीन। दूसरी देखो, आपातकालीन प्रतिक्रिया तत्काल प्रतिक्रिया की मांग करती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपको तुरंत कुछ ना कुछ रिएक्शन करना होता है, रिएक्ट करना होता है। गाय आपकी तरफ ऐसे करके आ रही है, आप खड़े रहोगे, इधर खड़े रहोगे, तुरंत प्रतिक्रिया करनी है, अदरवाइज आपको मार के टक्कर हवा में उछाल देगी। ये चीज समझाओ, तो ये पांच इसकी विशेषताएं होती है। आगे देखते हैं, आप देखेंगे आपातकालीन परिस्थिति की विशेषताएं बाइस्टैंडर्स, बाइस्टैंडर्स में दर्शक प्रभाव में संज्ञानात्मक और व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। जब कोई भी स्थिति आपातकालीन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसको देखते ही हमारे मन में संज्ञानात्मक प्रक्रिया चालू हो जाती है। संज्ञानात्मक नाम लिखा हुआ है, हम सोच विचार की प्रक्रिया हमारे अंदर चालू हो जाती है, रिएक्शन की प्रक्रिया चालू होती है। और वो क्या होता है प्रक्रिया में, देखो पांच स्टेप होते हैं इसमें। पहला क्या है, व्यक्ति देख रहा है कि कुछ चल रहा है, कुछ हुआ है, घटना को देखते हैं। कभी किया हमने, कहा आप जा रहे हो, बहुत सारी भीड़ लगी है, अब आप कुछ देख लिया, क्या हो गया? नहीं देख सकते तो क्या करते हो, पूछते हो क्या हो गया भैया, है ना। पहला स्टेप ये है कि कुछ चल रहा है या कुछ हुआ है। अगला स्टेप देखो, किसी भी स्थिति को एक आपात स्थिति के रूप में व्याख्या करता है। व्यक्ति जो मदद करने वाला है ना, वो देखता है मदद तभी करेगा कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, उसकी व्याख्या करता है कि आपात स्थिति। तीसरा स्टेप क्या है, ये देखो उस स्थिति को आपातकालीन स्थिति के रूप में वर्गीकृत करता है, जिसके लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसको आगे समझ लिया, आगे देखिए जिम्मेदारी की तीव्रता महसूस करता है। ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मुझे मेरी जिम्मेदारी है इसकी मदद करना, इस व्यक्ति की मदद। अगर आपको उस स्थिति के अंदर तीव्रता ज्यादा लगती है कि मुझे जिम्मेदारी है, मुझे करना ही चाहिए इसकी मदद, बहुत आवश्यकता है इसको, इसका बाइक पंचर हो गया, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, अगर आप जिम्मेदारी का एहसास करते हो, अगर व्यक्ति के अंदर जितनी तीव्रता जिम्मेदारी की तीव्रता होगी, उतनी ही उसके अंदर प्रो सोशल बिहेवियर करने की संभावना। बात समझ आई? नेक्स्ट, सहायता का प्रकार, सहायता कैसे करें, उठा के ले जाना है या कुछ पैसे से काम चल जाएगा, या पीठ थपथपाने काम चल जाएगा, या बाइक या स्कूटी बदल कर उठवा दे, या दो शब्द कह दे, कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी ने देखा, चल चल, ऐसा होता है ना कई बार, हम कह देते किसी को। तो यानी सहायता का प्रकार, किस प्रकार की सहायता, और आखिरी स्टेप इसका यह है, कार्रवाई का विकल्प लागू करता है दो व्यक्ति है कि कौन सा काम मुझे करना है, यानी कि वो वास्तविक समय में, रियल टाइम में, उस समय उस व्यक्ति को किस प्रकार की मदद चाहिए, ये करता है। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति इन पांचों स्टेप्स में, पांचों स्टेप मैंने बताए हैं, इन पांचों स्टेप्स में पॉजिटिव बिहेवियर करता है, उसकी तरफ इन पांचों चीजें हैं, उसको देखता है कि व्यक्ति देखता है कि कुछ चल रहा है, देखो घटना हो यार, मुझे कुछ मदद करनी चाहिए। नंबर एक पॉइंट, किसी भी स्थिति को भैया घोड़े मुश्किल है, इसको बताना बहुत जरूरी है। अगला देखो आप, जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है, फिर सहायता का प्रकार, आज उठा ले जाना जरूरी है, और कार्रवाई अभी उठा ले जाता हूँ। ये पांचों चीजें जब तक पॉजिटिव आती है, तभी व्यक्ति सहायता पर व्यवहार करता है, और इन पांचों में से अगर किसी भी पॉइंट पर उसको नेगेटिव लगता है, तो सहायता पर व्यवहार वो नहीं करता। मान लीजिए लग जाए जिम्मेदारी की तीव्रता, ये तो ठीक है जिम्मेदारी, ये साथ में खड़े मैं करूंगा, बस क्यों उठाओ शब्द आ गया, नेगेटिव आ गया ना, तो फिर वो सहायता उसकी नहीं करेगा। इसको एक मॉडल से समझाओ, ये देखो लास्ट स्लाइड है, ये दर्शक प्रभाव संज्ञानात्मक रूप से पांच चरणों से गुजरता है। दर्शक प्रभाव ने बताया था ना, यदि आंतरिक प्रतिक्रिया सकारात्मक होती है तो व्यक्ति सहायता पर व्यवहार करेगा। मैंने जो बताया आपको, इन चरणों के माध्यम से गुजरने के दौरान यदि किसी भी स्तर पर व्यक्ति नकारात्मक व्यवहार के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो निश्चित रूप से सहायता पर व्यवहार हो नहीं करेगा, खतरे में पड़ेगा। आप समझे, इसको आप देखिए स्टेप मॉडल से देखिए, आप मैंने मॉडल बनाया है, ये पांच स्टेप है। मजा आया फिर दिखाओ एक बार, देखो इसमें क्या है, देख आपने देखी बात, आप ध्यान से देखा, देखो
सही है ना। ये देखो नो टीचर सब के लिए कोई मोर कुछ चल रहा है, नहीं कुछ चल रहा है। देख लिया पहला स्टेप, दूसरा स्टेप इंटरप्रेट सिचुएशन की इमरजेंसी, उस सहायक को स्थिति को परिस्थिति को कहता है, वर्गीकृत करता है कि हां यार ये तो इमरजेंसी स्थिति है। तीसरा देखेंगे डिग्री ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, व्हेन जिम्मेदारी की जो तीव्रता थी कितना उसका अनुभव हुआ, फॉर्म ऑफ असिस्टेंस कैसे उसको सहायता देनी है, और इंप्लीमेंटेशन का एक्शन चॉइस मुझे क्या करना है, कैसे सहायता देनी है। ये 500 में अगर इन 500 में यस है तो हेल्पिंग डिलीवर होगा, और 500 में अगर किसी में भी नो हो गया एक तरफ नो है, समझ के थोड़ा इसको दोबारा देखो। नो सर, एक बार देखो, फिर देखो आपको किस प्रकार से ये आया समझ आपको। यही था हमारा कॉग्निटिव मॉडल। अब आपको ये रेफरेंसेस है, और अगला नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा अग्रेशन, आक्रमण का अर्थ ढूंढना भी, प्रकृति और विशेषताएं। ठीक है भाई, एनी क्वेश्चन, कोई भी क्या प्रश्न, ठीक है भाई।